आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद, 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 प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। साथियों, महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में आए हुए हैं और यहां पे आज लोगों में खुशी का माहौल है और लोग इकट्ठे होकर यहां लड्डू बांटने लग रहे थे। तो हमने भी पूछा भाई क्या मामला है, तो जानेंगे इनसे क्या मामला है। सब्जी मंडी के प्रधान जी यहाँ पे हैं और पूरी सब्जी मंडी इकट्ठी हो रखी है, अपनी अपनी दुकानें छोड़ के आ गए कि भाई खुशी की बातचीत है, तो क्या है वो पूछते हैं। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार जी, कैसे हैं? बड़े माने आपके। तो जैसे लड्डू बांटे जा रहे थे, क्या कुछ खुशी का माहौल है उसके बारे में बताएं ताकि लोग भी जान सके। आज 21 तारीख को सब्जी मंडी में ऑक्शन थी जी, मार्केट कमेटी की तरफ से। तो शर्मा जी ने कह के हमने वो ऑक्शन पहले भी रुकवाई है, अब भी रुकी है। ये 300-400 मासाखोर 25-30 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इवन को एडजस्ट करके आगे की फिर हम प्लानिंग बनाएंगे। शर्मा जी की बहुत बहुत मेहरबानी, हरियाणा सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी। अगर ये ऑक्शन हो जाता तो क्या नुकसान होता उसके? नुकसान ये क्या है, ये कम से कम जाके 500 आदमी बेघर हो जाते हैं जी। ये काफी सालों से आपने कमा के खा रहे हैं जी, ये बेघर हो जाएंगे सारे के सारे। जी, आपका क्या ख्याल है, सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ जी, ये बेघर हो जाते 300-400 आदमी। रामविलास जी की बड़ी मेहरबानी है और इनकी दया दृष्टि ही है, लोग कमा के खा रहे हैं। मतलब 400-500 लोगों का रोजगार छिन जाता है। बिल्कुल छिन जाता है। शर्मा जी की देन है सब्जी मंडी, जो मंडी बनवाई है वो भी शर्मा जी ने ही बनवाई है और ये शर्मा जी के ही बीजेपी के कार्यकर्ता। कहीं और भी सब्जी मंडी बनने का विचार था, वो उन्होंने ही कैंसिल करवाई थी। हाँ, काफी जगह है हमारे पास सब्जी मंडी में, काफी जगह है। और शहर के क्या विचार है, क्या लगता है नेताजी ने, मंत्री साहब ने जो किया वो सही किया? एक नंबर का काम किया, सभी मांसाखोर की रोटी रोजी खो रही थी, ये सभी का बचाव किया है। रामविलास शर्मा जी और कृषि मंत्री जी का हम सभी मंडी वाले आभार प्रकट करते हैं और हमारा हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करते हैं और सभी मांसाखोर रामविलास शर्मा जी से एक प्रस्ताव रखेंगे मिलकर, भाई पहले हमें एडजस्ट किया जाए मांसाखोरों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी रामविलास जी ने, यहाँ एक एकड़ जमीन दी थी उसमें मांसाखोर बैठाने की व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें केवल 13-14 दुकान मार्केट कमेटी ने नक्शा बनाया। ये सब बातें हम रामविलास जी के पास रखेंगे और सभी मांसाखोरों को एडजस्ट करने के लिए प्रधान जी के नेतृत्व में मिलेंगे और इनको एडजस्ट करवाने के कष्ट करेंगे। तो आप सभी की दुकानें यहाँ मंडी में ही हैं जी? सभी 35-40 से सभी मांसाखोर यानी छोटे दुकानदार बैठ के सब्जी बेचते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो कितने लोग नीचे बैठ के अपनी सब्जियां बेचते हैं? ये 300 से 350 कम से कम इतने बंदे बैठते हैं, मतलब करीब 500 परिवार यहाँ यहाँ रोजी रोटी करके कमा के 500 परिवार रोजी यहाँ पे खा रहे हैं और सभी सब्जी मंडी के व्यक्ति हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामनिवास। तो क्या मैं सब्जी की यहाँ ढेरी लगाकर काम करता हूँ और मेरे पिताजी भी यहीं काम करते थे। हम करीब 40 साल से यहाँ नीचे बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज अपने अंतरात्मा से प्रोफेसर रामला जी शर्मा का और हमारे प्रधान सुरत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज 500 लोगों को बेघर होने से बचाया। और माननीय रामला जी शर्मा ने पिछले दिनों में बोली रुकवाई थी और आज भी बोली रुका कर हम लोगों की उन्होंने सुनी, फरियाद सुनी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु प्रदान करे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। जिस प्रकार से 500 लोग यहां पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 500 परिवार भी चल रहे हैं, अगर ये बोली लग जाती तो कितने परिवार बेघर हो जाते? हम 500 से ज़्यादा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब बेघर हो जाते हैं। यहाँ ओनली 10 आदमी कामयाब होते हैं और हम 500 लोग बेघर हो जाते हैं। 10 दुकानें बंद। जी 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 जी। 500 व्यक्तियों का जो परिवार चल रहा था वो बेघर हो जाता और सिर्फ 10 व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार मिलता, तो कहीं ना कहीं 490 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है। सेक्रेटरी साहब, पसीना आ रहा है माथे पे, गर्मी लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है जी, बहुत तो बढ़िया। दुकानों को लेके क्या कहेंगे? दुकानों को लेकर जी 500 परिवार बचे हैं सब रामविलास शर्मा जी की वजह से, हरियाणा सरकार की वजह से। 10 आदमी को व्यापार मिलता है, यहाँ 490 बेकार हो जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं था, सब बेकार। बढ़िया व्यवस्था हुई है। हाँ, बढ़िया। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कहीं फिर ऐसा नहीं होगा भाई कुछ 2-4 साल बर्बाद ऐसा? शर्मा जी से हम बात करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, फिर इनसे फरियाद करेंगे, फिर इनकी बोली लगाए, फिर इनको बेचे। आप क्या चाहते हैं, कहाँ पे इनको एडजस्ट करना चाहिए? पीछे जो हमें पहले एक एकड़ जमीन दी है सीएम साहब ने, उसमें इनको एडजस्ट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ दुकानें बने। पीछे जो एक एकड़ जमीन है उसके अंदर इनको एडजस्ट करने के बाद यहाँ के बारे में सोचा जाए, ताकि यहाँ जो 500 परिवार पल रहे हैं उनकी रोजी रोटी चल सके, वो कहीं रोड पे ना आ जाए। तो जो
कार्य किया गया है, सभी लोग खुश हैं। यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे थे और जयकारे के नारे भी लगाए जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सच में कुछ अच्छा हुआ है। देख सकते हैं साफ तस्वीरें हैं, पीछे पूरी सब्जी मंडी के लोग नारे लगाने लग रहे हैं और लड्डू बांटे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है इनको कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा अब भी इनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो लगातार बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।